असलकुम तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा ज़बरदस्त घर के हाजिर मसालों से नवाबी चिकन मसाला ये देखिए क्या बढ़िया सा लजीज़ और इतनी टेस्टी है तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी साधारण यानी ऑर्डनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाते हैं आज की चलिए ये चर्बी निकाली हुई दो तीन पानी से धो के निधारी हुई चिकन है सेवन फिफ्टी ग्राम्स है मैंने बड़े पीसेस रखे हैं थोड़े मीडियम से बड़े हैं आप आपके हिसाब से जैसे पीस रखने रख सकते हैं इसमें डाल दीजिए सबसे पहले 200 ग्राम गाढ़ी दही नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरे का पाउडर डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए वैसे मैंने घर में ही पीसा है दरदरा सा अब इसमें डाल दीजिए दो छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर और दो छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कोई बात नहीं ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि ये ज्यादा स्पाइसी नहीं रहता है और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ थ्री फोर्थ छोटा का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर आप थ्री फोर्थ बजाय एक छोटा का चम्मच भी स्पाइसी वाला डाल सकते हैं वैसे ये डालेंगे तो ज्यादा स्पाइसी नहीं लगेगा ये वाले मेजरमेंट में आधा छोटे छाया का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए दो टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट डाल दीजिए और बहुत अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करके ढाक कर आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं आधे एक घंटे के लिए या फिर बाहर भी रहने दे सकते हैं अगर क्लाइमेट अच्छा हो तो चलिए एक प्रिपेरेशन कर लेते हैं ये है बारह काजू बारह बादाम और दो टेबल स्पून डेजिगेटेड यानी के नारियल का बुरादा डेजिगेटेड कोकोनट ये आप एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए तीनों चीजों को और तकरीबन वन थर्ड दूध या फिर आधा कप दूध भी डाल सकते हैं डालकर बहुत अच्छा पेस्ट बना लीजिए एकदम ब्लेंड होना जाना चाहिए कोई भी चीज़ ऐसी साबुत दिखनी नहीं चाहिए ये देखिए ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए चार मीडियम साइज़ की प्याज का मैंने यहाँ पर बेरिस्ता बना लिया है कुछ नहीं छोटे तेल के अंदर अच्छा गर्म हो जाए तेल तो प्याज डाल दीजिए स्लाइस करी हुई और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल कर साइड पर रख दीजिए अब ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है बिना पानी डालकर और इसे भी साइड पर रख दीजिए ऐसे दो टमाटरों की झील निकाल लीजिए और गोल गोल पहे शेप में काट कर उसे साइड पर रख दीजिए तीन चार हरी मिर्चियाँ साइड पर रख दी हूँ मैंने अब यहाँ पर मैं गरम मसाले आपको बता देती हूँ तो वो है चार लौंग सात आठ काली मिर्च आधा छोटा छा का चम्मच साबुत जीरा एक डंडी दालचीनी की चार हरी इलायची एक बादियान दो तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची चलिए अब हम बगार लेते हैं हमारी ग्रेवी को एक कढ़ाई के अंदर मैं वही तेल ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने हमारी जो प्याज है वो फ्राई की थी अब दो तीन टेबल बड़े भर कर असली घी का डाल दीजिए बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा असली घी से अब जो गरम मसाले हैं वो साइड पर रखे वो सारे डाल दीजिए और इन्हें फास्ट आंच पर तेल के अंदर तरतरा जाने दीजिए जब अच्छे गरम हो जाए और तरतरा जाए तो हमारी जो चिकन मैरिनेट करी हुई एक घंटे से रखी हुई है साइड पर उसे डाल दीजिए और सारे मसाले के साथ डालिएगा इस कदर और इसे तकरीबन एक दो मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए मसाले के साथ जब एक से दो मिनट हो जाते हैं चिकन को फ्राई हो तो यहाँ पर आप डाल दीजिए जो टमाटर हमने साइड पर रखा था वो और उसके साथ जो हरी मिर्ची रखी है वो भी डाल दीजिए और इसको चला लीजिए जब अच्छा मिक्स हो जाए तो जो हमने बिरिस्ते को पीस के रखा है वो डाल दीजिए सारा अच्छे से सारा निकाल लीजिएगा कोई भी मिक्सर जार के अंदर लगा हुआ ना रह जाए कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना सारा डाल दीजिए इसे भी मिक्स कर लीजिए और मीडियम आंच पर या चाहे तो फास्ट आंच पर इसे बार बार चलाते हुए मिनट तक भून लीजिए ऐसे चलिए तीन चार मिनट हो जाए फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर अगर आप पका रहे हो तो इसे देखिए क्या अच्छा तेल छूट चुका है माशाल्लाह तो अब वो जो साइड पर हमने ये जो पेस्ट बनाकर रखा है Uh, बा, काजू बादाम का वो डाल दीजिए और बहुत अच्छे से ले लीजिए हाँ सारा सो so दैट कोई भी चीज़ हमारे उसमें रह ना जाए मिक्सर जार के अंदर कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो ना अब इसमें आधे नींबू का रस डाल दीजिए संभाल कर डालिएगा कि बिजे ना आ जाए अच्छा इसमें अब चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच इसका और मैंने है ना थोड़े से पानी के अंदर ज़ैफरान डाल के रखा था मैं वो भी डाल देती हूँ इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे और स्लो आंच करके इसे ढककर तकरीबन छह सात मिनट तक पकने दीजिए बिना पानी डाले अच्छा यहाँ पर यह है कि हमने ये जो पेस्ट है पहले क्यों नहीं डाला वो इसलिए क्योंकि ये फिर ना क्या होता है चिटक जाता है ये पेस्ट तो पहले हमने फ्राई कर लिया फिर ये पेस्ट डाला चलिए छह सात मिनट हो चुकी है वैसे छह सात मिनट के अंदर मैंने एक से दो बार पहले चला लिया था बीच में क्योंकि क्या है ना फाइट ये जो आ, क्रीमी टेक्सचर वाला जो पेस्ट था काजू और बादाम का वो नीचे लगने का बहुत डर है तो एक दो बार मैंने चला लिया था अब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा पानी डाला है तकरीबन आधा या पौना कप आप पानी डाल सकते हैं अब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप डालिए मैंने पौना कप पा डाला है आप आधा कप भी डाल सकते हैं एक बार चला लीजिए चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए अच्छा उबाल आ जाता है इसमें तो स्लो आंच करके तकरीबन इसे समझिए ना बारह तेरह मिनट तक पकने दीजिए तब तक पकाए आपकी चिकन नहीं हो जाती अगर छोटी चिकन हो तो कम समय लगेगा बड़ी चिकन होगी तो ज़्यादा समय लगेगा चलिए मैंने 12 मिनट तक पकाया और मेरी थोड़े से बड़े पीसेस थे लेकिन चिकन छोटी थी तो अब आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि चिकन बड़ी है या चिकन छोटी है पीसेस बड़े रखे हैं कि छोटे हैं तो चलिए तकरीबन बारह मिनट हो चुकी है खूब सारी बारी कटी हुई कोथमी यानी हरा धनिया डाल दीजिए और चूल्हे को कर दीजिए बंद और ये देखिए हमारा नवाबी चिकन मसाला बहुत ही मजेदार और डिलीशियस है और एकदम लजीज है अच्छा नमक अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप डाल सकते हैं मुझे परफेक्ट लग रहा है स्टार्ट वाला नमक ही रखा था मैंने बीच में एक बार थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था नमक अच्छा अब इसे आप गर्मा गर्म एक प्याले में निकालें और गर्मा गर्म सर्व करें थोड़े से कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिएगा और इसे आप रोटी पराठा फुलका बटर नान रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा अच्छा आपको ग्रेवी अगर ज़्यादा लग रही है तो आप मीडियम आज कर कर इसे सुखा सकते हैं वैसे मुझे परफेक्ट लग रही है स्पाइस इसमें बहुत ही नॉर्मली है कम ही है इनफैक्ट स्पाइस तो आपको अगर लाल मिर्ची का पाउडर स्पाइसी वाला बढ़ाना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर एंड में हरी मिर्चियों को स्लिट करके डाल दीजिएगा तो है ना मजेदार रेसिपी आज की अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स मुझे तो आपके कमेंट्स बनने बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ एंडल देन टेक बाय